हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। तो आज हम बात करते हैं कि एग्जाम से एक महीना एग्जैक्ट एक महीने बाकी रहा है, फिर थोड़ा सा आगे पीछे टाइम है, ठीक है, 30 से 32 दिन या फिर 35 दिन बाकी रह रहे हैं बोर्ड के एग्जाम आने में, ठीक है। तो इस टाइम ना हमें करना क्या चाहिए, देखो अभी ना इस टाइम हमारे पास क्या है कि तीन टाइप के बच्चे होंगे। एक बच्चा ऐसा जो टॉप मारने की सोच रहा होगा, ठीक है, दूसरा ऐसा जो मीडियम होगा जो सिर्फ पास करने की सोच रहा है, और तीसरा बच्चा ऐसा है जो कि क्या है वो ये सोच रहा होगा कि मैं भाई फेल हो जाऊंगा अभी, ठीक है। तीन टाइप के बच्चे हैं। जो टॉपर बच्चा होगा वो ये सोचेगा कि कैसे ए ग्रेड लेके आऊँ, मतलब कि सब में कैसे कम से कम 90 क्रॉस करूँ, और जो मीडियम बच्चा होगा वो सोचेगा 50 क्रॉस हो जाए सब में बहुत है या फिर पास हो जाऊँ, ठीक है। और जो सबसे लो बच्चा है जो सिर्फ ये सोचेगा कि भाई मैं पास हो जाऊँ, ठीक है, कैसे भी करके पास हो जाऊँ, वो ये सोचेगा। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले उन बच्चों के बारे में जिन्होंने अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। देखो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है कि एक महीने तक ना लगातार इस अपनी स्टडी पे फोकस करना है, ठीक है। एक महीने तक लगातार अपनी स्टडी में लगे रहो, इससे देखो होगा ये कि तुम्हारे पास होने के परसेंटेज जो है ना बढ़ जाएंगे, ठीक है, पास होने के जो चांस है वो क्या है बढ़ जाएंगे, ठीक है। और देखो उसके बाद होगा क्या कि अगर मान लो तुम अभी से पढ़ाई शुरू करते हो ना तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि भाई क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तुम्हें ये करना है कि लास्ट ईयर के, देखो मोस्टली बच्चे जो होते हैं उनको जो डर होता है ना मैथ्स में और साइंस में होता है कि हाँ भाई मैथ्स में फेल हो सकता है या फिर साइंस में फेल हो सकता है, ठीक है, ऐसा है, या फिर तीसरी ले लो तो अगर इंग्लिश में, ठीक है, वैसे भी इंग्लिश बच्चा निकाल देते हैं। तो मैथ्स की और साइंस की बात करते हैं। देखो मैथ्स में और तुम्हें पास कैसे होना है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं उन्हें मैथ्स में पास कैसे होना है, तो वह पिछले साल के ना मतलब कि पेपर उठाने हैं, ठीक है, उन सब में एनालाइज करना है कि कौन से चैप्टर में सबसे ज़्यादा आ रहा है, उन चैप्टर को कम से कम पक्के कर लो। देखो अगर तुम पांच चैप्टर भी अपने स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना तो उस पांच चैप्टर के चक्कर में तुम अच्छे खासे पास हो जाओगे। और देखो दूसरी ट्रिप मैथ्स के लिए, जो दूसरी टिप है मैथ्स के लिए, और जितनी भी थ्योरम है तुम्हारी मैथ्स की बुक के अंदर, जो एनसीईआरटी के अंदर जितनी भी थ्योरम है, उन सबको अच्छे से रट्टे मार लो, क्योंकि कम से कम जो तुम्हारी थ्योरम है ना तुम्हें एग्जाम में तुम्हारे 10 मार्क्स तो दे जाती है, ठीक है। तो थ्योरम को रट्टे मार लो तो थ्योरम तुम्हारी 10 मार्क्स देगी। बात रही बाकी तुम्हारे देखो उसके 25 मार्क्स की और बात है, तो वो 25 मार्क्स जो है ना तुम उन चैप्टर को कवर कर लो जो बहुत ज़्यादा आसान से है, ठीक है। अच्छा देखो अगर आपको इस चीज़ के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो चाहिए कि हाँ भाई मैथ्स में कैसे पास होना है, या फिर मैथ्स में अच्छे मार्क्स कैसे लेके आए, या फिर साइंस में पास कैसे होना है, फिर साइंस में अच्छे मार्क्स कैसे लाए, या फिर किसी भी सब्जेक्ट की अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताओ, तो उसके हिसाब से मैं डेली बेसिस पे एक एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। जैसे पहले मैथ्स की, फिर साइंस की, इंग्लिश, हिंदी, SST, SKT, ठीक है, ये 6 सब्जेक्ट, ठीक है, इन 6 के 6 सब्जेक्ट की एक एक करके मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। अगली बात करते हैं जो साइंस है, ठीक है, जो बच्चे मतलब कि जो वीक बच्चे हैं ना उनकी साइंस के बारे में बात करते हैं। देखो साइंस में अगर उन्हें पास होना है ना, किसी बच्चे को साइंस में पास होना होता है, तो सबसे पहले जो उनका फोकस होना चाहिए ना, उन्हें पूरी की पूरी बुक के जितने भी डायग्राम है ना वो आने चाहिए, ठीक है, पूरी बुक में जितने भी डायग्राम है वो सारे के सारे तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, उन्हें घोल के पी जाओ जितने भी डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद अगली बात करते हैं, जब भी तुम आंसर लिखो ना, देखो भले तुम्हें आंसर पूरा एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अगर तुम आंसर को डायग्राम के साथ लिखते हो, ठीक है, अगर तुम आंसर को डायग्राम के फॉर्मेट में लिखते हो, तो ये मान के चलो कि जहाँ तुम्हें ना 6 में से या फिर 5 में से 2-3 मिलने वाले होंगे, वहाँ 3-4 आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें फोकस डायग्राम पे करना है, ठीक है। और जो दूसरा फोकस है वो तुम्हारा होना चाहिए कि डायग्राम बना, पहले जो तुम्हारे पास है कि जितने भी तुम्हारे चित्र हैं, जितने भी डायग्राम बुक के अंदर वो, और फिर जाके जब तुम जो आंसर लिख रहे हो ना उनके फॉर्मेट बना के लिखो, एरो वगैरह बना बना के, ठीक है, इस टाइप से आंसर लिखो। अब उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिन्हें सिर्फ पास होना है, ठीक है, मतलब कि जो मीडियम बच्चा है, अब उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो मीडियम बच्चे को करना क्या, अगर अपने पास परसेंटेज बढ़ाने हैं उसको, या फिर उसको अपने मार्क्स बढ़ाने हैं ना, ठीक है, तो करना क्या है, उन्हें ना जो पिछले साल के पेपर वगैरह होते हैं उन सबको लाइन से सॉल्व करना होता है, या फिर जितने भी सैम्पल पेपर होते हैं उन सबको लाइन से सॉल्व कर लो। अगर वो नहीं कर पा रहा, देखो जो बच्चे मीडियम है ना उनके पास होने के लिए और सिर्फ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो हमारे पास है कि वो अपनी NCERT की बुक को अच्छे से कर ले, ठीक है। NCERT की बुक को अगर वो अच्छे से कर लेता है और पिछले साल के पेपर अगर उनको सॉल्व कर लेता है ना तो उसके अच्छे खासे मार्क्स खिंच जाते हैं, 50 से 60 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं वो बच्चे जो टॉप करना चाहते हैं, जो 90 क्रॉस करना चाहते हैं, जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं उनका सबसे पहले तो पूरा सिलेबस रखा होना चाहिए।
पूरे सिलेबस हो जाने के बाद अगली जो चीज़ है ठीक है वो ये होना चाहिए कि भाई जो इस साल का सैम्पल पेपर है ना वो उन्हें अच्छे से आना चाहिए, और पिछले साल से कम 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो, सारे के सारे सॉल्व कर दो ठीक है। उसके बाद ना और जो भी तुम्हारे सैम्पल पेपर वगैरह जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं ठीक है उन सबको सॉल्व करो, और सॉल्व जो है ना हमें लिख लिख के करना होता है, और जितने भी सैम्पल पेपर है ना उनको कम से कम मान लो 2 से 3 बार सॉल्व करो, और जो तुम्हारी बुक है ना उसके तुम्हें कम से कम 6 से 7 बार रिवाइज होना चाहिए विद रिटर्न। गाइस देखो अगर आपको हर एक सब्जेक्ट की पर्टिकुलर वीडियो चाहिए कि हाँ भाई किस सब्जेक्ट में कैसे पास हो तो उन सब की मैं वीडियो सेपरेटली बना दूंगा ठीक है। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।